धनो वाहिगुरु जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग कबीर जीओ का एक स्वान कै घर गावना जननी जानत सुत बड़ा होत है इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है मोर मोर कर अधिक लाड धर एकत ही जम राव हसै ऐसा तैं जग भरम लाया कैसे बूझे जब मोहया है माया रहा कहत कबीर छोड़ बिखिया रस इत संगत निहचौ मरना रमैया जपहो प्राणी अनंत जीवन बाणी इन बिद भव सागर तरना जां तिस भावै तां लागै भाव भरम भुलावा विचों जाए उपजै सहज ज्ञान मत जागै गुर प्रसाद अंतर लिव लागै इत संगत नाही मरना हुकम पछाण तां खसमै मिलना रहाओ दूजा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। परम सन्मान योग गुरुस्वारी सात संगत जियो आप वडभागी हो सचे पातशाह धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन हजूर सज के बड़े प्रेम अदब सहित आप जी ने गुरु महाराज की पावन बाणी दे पाठ अते कीर्तन गुरु सवारियां पासों सरवण कीते हन। सतगुरु की पावन बाणी विचों भगत कबीर साहिब महाराज की उचारण कीती हुई बाणी जिसनों विचारण दा आपां आरंभ कर रहे हाँ सतगुरु की बख्शिश दे पात्र बन के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर भगती लहर नाल संबंधित कुल 14 अते शेख फरीद साहब जी जिन्हों की मुबारक बाणी आपां विचारी है इवें कुल 15 भगत साहिबाना की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच दर्ज है। इन्हां 15 भगत साहिबाना विचों सब तो वधीक बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच भगत कबीर साहब जी महाराज की है। भगत कबीर साहब महाराज के 17 शब्दों के विच उन्हां दी बाणी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। कुल 225 शब्द 3 अष्टपदियां 52 अखरी 1 थिती 1 सत वार 243 श्लोक भगत कबीर साहब जी महाराज के गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर 17 रागों में दर्ज हैं। जिस पावन शब्द आप जी ने पाठ श्रवण किया है धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंक नंबर 91 92 के उत्ते पावन शब्द सुभाईमान है।
शब्द की आरंभता संखेप मंगलाचरण तो होंदी है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद परिपूर्ण परमेश्वर प्रभु परमात्मा एक है। एक रस समुची कुदरत कायनात विच सिरजना विच व्यापक है। सदीव काल कायम रहने वाली परमेश्वरी हस्ती सतगुरां दे अनुभव नाल गुरु उपदेश नाल गुरु दे अनुभव नाल एक सुर हो के उस वाहिगुरु अकाल पुरख की सोझी जीवन हासिल होंदी है। शब्द का सरलेख है श्री राग कबीर जीओ का। यह पहला राग है गुरु ग्रंथ साहिब जी का श्री राग। इस राग विच भगत कबीर साहिब जी महाराज के कुल दो शब्द दर्ज हैं। यह पहला शब्द है जिस दी आपां विचार आरंभ कर रहे हैं। सरलेख दे नाल ही यह भी दर्ज है एक सवान कै घर गावना। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी अंदर इसे ही राग विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक नंबर 24 उत्ते सतगुरु गुरु नानक महाराज का उचारण किया हुआ पावन शब्द दर्ज है श्री राग महला पहला घर चौथा एक स्वान दोए स्वानी नाल भड़के भौंकै सदा बयाल कूड़ शुरा मुठा मुरदार धान करूप रहा करतार मैं पद की पंद न करनी की कार हों बिगड़े रूप रहा विकराल। शब्द विच है मुख निंदा आखा दिन रात पार कर जो ही नीच सनात काम क्रोध तन वसें चंडाल धान करूप रहा करतार। शब्द विच ये भी उपदेश दर्ज है। महाराज फरमाउंदे हन फाही सुरत मलूकी वेस हों ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता पार धान करूप रहा करतार। मैं कीता ना जाता हराम खोर हों क्या मोह देसां दुष्ट चोर। सतगुरु गुरु नानक महाराज ने इस समुचे शब्द विच मनुख दे अंतर आत्मे दी जो भैड़ी तस्वीर है जो साडे किरदार दा अंदरूनी पक्ष है उस नूं बयान कीता है। हुण चौथा घर लिखण दी बजाए इस शब्द उत्ते इह सरलेख लिखिआ एक सवान कै घर गावणा। भाव जिस शब्द दी आरंभता इस पंक्ति तों हुंदी है एक सवान दोए स्वानी नाल वह शब्द जिस घर विच दर्ज है इस शब्द नूं भी उस घर विच गाउणा है ते उस शब्द दे उत्ते सरलेख है श्री राग महला पहला घर चौथा। तो पहली गल यह होई कि इस शब्द नूं चौथे घर विच गाया जाना है जिस घर विच वह शब्द दर्ज है। हुण दूजा एक ख्याल है कि महाराज ने घर चौथा लिखण की बजाय यह क्यों लिखिया है एक स्वान कह घर गावना, क्योंकि जिथे इस शब्द नूं चौथे घर विच गाया जाना है उथे उस शब्द का जिहड़ा भाव है वह इस शब्द नाल बड़ा रलदा मिलदा है। कि आपां अगे जाके शब्द नूं विचारदे आं थोड़ा जिहा संखेप विच सांझा करांगे। तो शब्द का जो रहाउ वाला बंद है गरीब नवाज फरमाउंदे हन ऐसा तैं जग भरम लाया। तैं शब्द परमेश्वर नूं संबोधित है। जग नूं संसार नूं अजिहा भरम भाव भुलेखा लाया होया है। ये किने लाया है सिरजनहार परमेश्वर वाहिगुरु ने। धरती है जिस धरती दे विचों फलदायक फुलदायक बूटे दरख्त पौधे पैदा होंदे ने। जां एक उदाहरण दिंदा उस धरती दे विचों ही जहरीलियां बूटियां भी पैदा होंदियां। खेत है किसान खेत दे विच बीज पाउंदा है। जिहड़ा वह बीज पाउंदा है उहदे विचों वह अनाज जां कोई चीज़ कढ़नी चाहुंदा है जिहड़ी वह बीजदा है जिस दी वह प्रोडक्शन करनी चाहुंदा है।
हुण जरा चेते च रखिए, जिहड़ा नदीन उगदा उह किसान नहीं बीजदा, पर उगदा उह धरती दे विचों ही है ना, वह भी उस धरती का ही हिस्सा है। जिहड़ी फसल किसान बीजदा है वह तां उह खुद बीज पाउंदा है, जिहड़ा नदीन पैदा हुंदा है वह खुद उगदा है। हुण जे फसल धरती पैदा करदी है ते नदीन कौन पैदा करता है? वह भी धरती पैदा करती है, भाव वह भी मिट्टी का हिस्सा है, वह भी मिट्टी विचों पैदा हुंदा है, उहदा अपना भला है। कुदरत दा विधान है, इत्थे पॉजिटिव ते नैगेटिव दोवें चीज़ां ही मौजूद ने। जिसनूं महाराज ने बाणी दे विच कहा है, देख अमृत करतार उपाए संसार बिरख कौ दोए फल लाए। जहर भी ते अमृत भी दोवें चीज़ां संसार दा हिस्सा ने, दोवें बराबर ने, दोवां दी आप एक कुदरत दा तवाजन बनया ही इसे तरीके नाल होए। एक बाणी दा वाक होर सांझा करदा, भगत रविदास जी महाराज कहिंदे वी जिहड़ा चंदन दा बूटा है उहदे दुआले जहरीले नाग लिपटे हुंदे ने, क्योंकि गर्मी हुंदी है ते चंदन दी तसीर ठंडी हुंदी है, जहरीले नाग जहरीले सप वो चंदन दे रुख दे आले दुआले कुंडली मार के उहदे उत्ते चढ़े हुंदे। हुण चंदन दी खूबी है भी वह सुगंधी भी देंदा है ते उहदी तसीर भी ठंडी है, पर उहदे नाल लिपटण वाले जिहड़े सप ने उह जहरीले भी ने ते घातक भी ने। बिख अमृत बसै एक संगा, भगत रविदास जी महाराज लिखते ने, जहर ते अमृत मानो दोवें कट्ठे ही एक दूजे नाल सांझ पाई बैठे हो। यही संसार की रीत है, यही संसार नूं समझना है। इस जगत विच चंगियाई अते बुराई बराबर बराबर सफर करदियां, मनुख चाहे ते बुराई वल भी झुक सकदा है, चाहे ते चंगियाई वल भी झुक सकदा है, वह चाहे ते नैगेटिविटी नूं भी धारण कर सकता है, वह चाहे तो पॉजिटिविटी भी धारण कर सकता है। उहदे लई पाप भी है तो पुन भी है, दोवें ही राह ने। सतगुरु महाराज इस करके फरमाउंदे ने, ऐसा तैं जग भरम, संसार विच भुलेखे हैं भरम हैं, पर भुलेखे पैंदे ही उत्थे ने जिथे एक तो वधीक कोई चीज़ है तुहानूं समझण विच गलती लगती है, मुगालता लगता है, भुलेखा पैंदा है। हुण जे हनेरा अंधेरा चानण आपे की आ, बाणी दे विच महाराज लिखते हैं, जे दिन है ते रात भी है, हनेरा है चानण भी है, हर चीज़ है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने इस जगत की जदों व्याख्या की, तो आप जदों हुण वेखो ना, शांत पाणी ने समुंदरां दे उहदे विचों ही किड्डे खतरनाक ज्वालामुखी भी फुट आउंदे ने। टाणी दे उत्ते लगा होया गुलाब दा फुल जिहड़ा है किन्ना खूबसूरत है, किन्ना कोमल है, किन्नी सुगंधी वंडदा है, पर उसे टाणी दे नाल बड़े तिखियां सूलां ते कंडे भी लगे हुए, करीर जिहड़ा है वह सारा ही कंडियाला है, पर उसरों भी बड़ा सोहना फल लगता, लोग खांदे भी, अचार भी पाउंदे ने उहदा। जानी कि कुदरत दे अंदर हर चीज़ हर तत् मौजूद है, उसकी वरतों के उत्ते निर्भर करता है तुसी उसकी वरतों किस रूप में करते हो। भरम का अर्थ है भुलेखा पै जाना, गुमराह हो जाना। भुलेखा मनुख के अंदर है, बाहर तो चीज़ा ही ने सारियां, असी उस चीज़ नूं किवें ग्रहण करते हाँ तो उहदा रिजल्ट की निकलता है उत्थों सिद्ध हुंदा है कि असी भुलेखे विच सां के नहीं सां। जे मैं उदाहरण देना, एक बर्तन विच वस्तु रखी हुई है, अनजाण बंदे ने उहनूं परखिया नहीं तो उसनूं खा लिया, वह चीज़ मनुख दे शरीर नूं बीमार कर गई, रोगी कर गई, इत्थों तक बंदा मौत दे मूँह च जा पिया। वह चीज़ जहर सी, जहर खा लिया, विष खाधी तत्काल मर जाए। उस ही भांडे दे विच जहर उही जिहड़ा है एक वैद की दुकान विच पिया सी, पर उहने नहीं खाधा, उहने उस जहर की वरतों भी की, दवाइयां विच पाया, उसनूं बड़ा सोधिया सवारिया, बड़ा कुछ उहने प्रोसैस पूरा किया,
हुण उह जिहड़ा जहर वंड रिहा दवाइयां च पा के उह लोकां दी बीमारी नूं दूर करदा है ते सधारण बंदा जिहड़ा जहर खा लैंदा है उह दी मौत दा सबब ते कारण बन जांदा है। चीज़ एक ही है, वरतों दो तरह की हो रही है। तो कोई चीज़ अपने आप विच भरम नहीं, कोई भुलेखा नहीं। भरम ते भुलेखा उस चीज़ की वरतों विचों निकलता है, उहदे रिजल्ट तय करता भी असीं भरम विच हाँ कि नहीं। गरीब नवाज महाराज इसे नूं कहिंदे ने भी इह वी पार्ट ऑफ नेचर है, संसार का अंग है, बड़ा अभिन्न अंग, इस नूं जुदा नहीं किया जा सकता। तुसीं जे इह कहो भी भरम होवे ही ना दुनिया विच ते दुनिया फिर होवे तां नहीं होएगी। तुसीं जे इह कहो भी नैगटिविटी जगत विच होवे ही ना ते फिर संसार होवे, इस तरह नहीं हो सकता। दोवें चीज़ां ही ने, जिवें बंदा मंगदा भी जीवन ही होवे मौत होवे ना, ये किस तरह हो सकता है? ये भी मौत भी तो जीवन के नाल ही जुड़ी हुई चीज़ है ना। जीवन है तो मौत है, मौत है तो यह मतलब कोई चीज़ है जिहड़ी मरेगी, किसी की होंद दे खत्म होने का चांस है, होंद है तो कोई खत्म होएगा ना। तो हजूर फरमाते ने ऐसा तैं जग भरम लाया कैसे बूझे जब मोया है माया। किवें बुझ सकता है इंसान, किवें समझ सकता है इंसान जदों के माया का मोया होया है? भाव माया तो इत्थे की है, अविद्या, अज्ञानता, बेसमझी, अपने निज सरूप तो बेखबर है इंसान, अज्ञानता का ठग्या होया, अज्ञानता ते अविद्या के कारण ठग्या होया, ये असलीयत नूं तत नूं नहीं बुझदा, जीवन की सच्चाई तो जाणू नहीं हुंदा, जीवन के प्रति अनजाण है ते भरम विच भुला होया है। ये वाहिगुरु ये भी तेरी कोई रजा है, ये विद्या या ज्ञानता की है? बंदा अपने शरीर नूं सदा थिर समझदा है भी इसने मुकना नहीं, इसने मर, हालांकि पल पल इस शरीर ते देही साडे सामने बदलदी है, पल पल। छोटा जिहा मास दा लोथड़ा जिस नूं ना बोलना आउंदा है, ना खाणा आउंदा है, ना बहना आउंदा है, ना तुरना आउंदा है, कुछ भी नहीं, हौली हौली परवरिश पा के प्रतपालना हुंदी रहिंदी है ते वड्डा हो जांदा है, बचपना माणदा है, जवानी माणदा है, अध खड़ विच आउंदा है, बुढ़ेपे च पल पल असीं बदलदे ही आ रहे हैं ना जी, देही बदल ही रही है ना पल पल, एक सफर ही कर रही है ना, पर फिर भी यकीन बजदा, फिर भी बंदा यह सोचता है अजे तो जिउंदे आं, अजे किहड़ी कोई गल वापरी है, वापरूगी तो वेखी जाऊगी। हुण वेखी जाऊ तो बंदा इवें करता भी जिवें बड़े इहदे कोल ओड़ पोड़ हुंदे ने, भी इहनूं तां बच ही जाणा है, वेखी जाएगी। अहसास नहीं है इस गल का भी एक दिन यह समा मेरे उपर भी आएगा जदों देही नहीं रहेगी, जदों सब कुछ बिनस जाएगा। तो सतगुरु महाराज कहिंदे ने वह अहसास नहीं है, इहदा कारण इको ही है भी अविद्या, अज्ञानता है। बंदे ने अपने आप नूं भुलेखे विच पा के रख्या होया, कोई गल नहीं, यह अज्ञानता ते अविद्या दे कारण ही मनुख भरम ते भुलेखे का शिकार है ते विकारां दी संगत विच रह के आत्मक मौत ते सेड़ लैंदा है, पर जीवन की सच्चाई तो जाणू नहीं हुंदा। इस दी उदाहरण महाराज ने दित्ती, कहिंदे जननी जानत, जननी जनन वाली, पैदा करन वाली मां जानदी है सुत वड्डा होत है, मेरा पुत्र वड्डा हो रहा, खुशी हुंदी उहनूं कि बच्चा वड्डा हो रहा, इतना को ना जाना है, पर वड्डे हुंदे बच्चे नूं वेख के मां कदे अपने अंदर कदे ख्याल लियांदी है कि इहदी उम्र घट रही है, जे वड्डा हो रहा। मान लो आपां नूं कोई पुछे जी किन्नी उम्र है, आपां मान लो जे दसदे आं भी 35 साल है, ते जिहड़े 35 साल ने उह तां लैस ने ना, जदों तुसीं ढा चुके हो तां सफर तुसीं कर लिया ते अगली कोई खबर नहीं। हुण जिंदगी दे जिन्ने जिन्ने साल असीं हंडा लए उह तां गए, उह तां वापस नहीं आउणगे, अगला जिहड़ा पड़ा है उहदा कोई उहदी कोई खबर नहीं, उहदा कोई पता नहीं। तो सतगुरु महाराज कहिंदे ने इतना को ना जाना, इन्नी क गल जिहड़ी है उह कदे आउंदी है ख्याल च, जे दिन दे नवद घटदा है कि मैं चाहुंदी मेरा पुत्र छेती वड्डा हो जाए, छेती जवान हो जाए, मैं सब कुछ छेती वेख लवां,
ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਮਰ ਵੀ ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਨਾ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਣਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟ, ਹਰ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਰਿਹਾ। ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਧੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਅਧਿਕ ਲਾਡ ਧਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾਓ ਹੱਸੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਮਰਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਹੈ ਮੌਤ, ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਧਰੇ ਧਰਾਏ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਪੇਖਤੀ ਜਮਰਾਓ ਹੱਸੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤ ਤੇ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੋੜ ਵਿਖਿਆ ਰਸ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਆਖ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਰਸ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਤਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਵਿਖਿਆ ਰਸ? ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਅਤੇ ਮਨਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭੜਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੋ, ਦੋ ਨਾਲ ਤਿੰਨ, ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਚਸਕਾ ਰੂਪ ਲੱਭ ਰੂਪ ਰੂਪ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਆਸਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੌਂਕਦੀਆਂ। ਕੂੜ ਸ਼ੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਝੂਠ ਦਾ ਸ਼ੁਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਸ਼ੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਤੱਕਦਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਖਬਰੀ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਨਸੋਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰ। ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਿੱਡਾ ਨੀਚਤਾ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਸਤਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਨ ਵਸੈ ਚੰਡਾਲ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤਨ ਨਾਲ ਚੰਡਾਲ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾਂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ,
ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਲੱਭੇ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪੀ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਹੇਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਰਸ ਲੱਭਦਾ, ਟੇਸਟ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਦ ਤੇ ਚਸਕੇ ਦਾ ਮਾਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਛੋੜ ਵੇਖਿਆ ਰਸ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਰਸ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਤ ਸੰਗਤ ਨੇਚੋਂ ਮਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇਗਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਪ। ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਮਈਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਪ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣ, ਇੱਥੇ ਅਨੰਤ ਲਿਖਿਆ, ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ, ਅਨੰਤ ਕਉ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਨੰਤ ਹੋਰ, ਅਨੰਤ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ? ਰਮਈਆ ਜਪੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ, ਆਤਮਕ ਉੱਚਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਨ ਵਿਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ ਵਿਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਨ ਲਾਗੈ ਪਾਓ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੌਧਿਕ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜਨਾ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਰੋ ਮਦਾਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਪਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ 'ਚੋਂ ਭਰਮ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਤੈਂ ਜੱਗ ਭਰਮ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ, ਜੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਉਪਜੇਗਾ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਿਕਾਓ, ਤਵਾਜਨ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਸਤ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ, ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
सैल्फ अवेयरनैस, ये सैल्फ अवेयरनैस जड़ी बौद्धिक नहीं, ये एहसास के पद्धर तक जाती। मनुख के अंदर एक जागृत चेतन सुरत पैदा हो जाती है जिहड़ी जीवन दियां सच्चाइयां प्रति, कुदरत दियां सच्चाइयां प्रति चेतन है, उहदे हुकम ते उहदे भाणे विच राजी है। गुरप्रसाद अंतर लिव लागे, गुरु दे प्रसाद किरपा बख्शिश दे नाल अंतर अंतर लिव लागे, अंदरों लिव दा मतलब है ध्यान, एकाग्रता बनी रहिंदी है। मनुख दे अंदर खलल नहीं पैंदा, डिस्टर्बेंस नहीं हुंदी सुरत अंदर मन अंदर, क्योंकि टिका है। कोई चीज भी डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करती, चीज का आना चीज का जाना उस्तत निंदा ये सारिया चीजा। तो हजूर महाराज उसनों कहिंदे हन, इत संगत ना ही मरना, ये भाई जे तू परमेशर की सिफत सलाह वाहिगुरु नू हाजर नाजर जानना, परमेशर की बख्शिश विच बिलीव ते यकीन रखना, उहदे प्रेम नू मानना, जे तू सहज विच आ जाएगा, जे तेरे अंतर खलल नहीं होएगा, डिस्टर्बेंस नहीं होएगी, जिसनू लिव लगना क्या है भगत कबीर जी महाराज ने, ये सारा कुछ जेड़ा है इत संगत इन्हां गुणा की ऐसी आत्मक सोबत विच जेड़ा है ना ही मरना, आत्मक मौत नहीं होंदी। बिख्या रस का उन्होंने जिक्र करदिया कहा सी, बिख्या रस विच मौत है आत्मक मौत, पर इत संगत ना ही मरना, इस सोबत विच मौत नहीं है, इस सोबत विच अनंत जीवन है, आत्मक आनंद है, अंदर दी जिंदगी दी रौ है, जीवन दा एहसास है। मनुख दे अंदर आत्मक मुरदे आनी जड़ी है वह नहीं होंगी। जिवें गुरु नानक साहब महाराज की साखी आप पढ़ते हो, साखी का तो भाव होंदा है ना, आखे इस मुरदे नू खाना है, उहदा भाव की है, मुरदे हानी खत्म करनी है, जिंदा दिली जागृत अवस्था विच रहन। गुरु का करतव की है, वह साडे अंदर की अग्ञानता खत्म कर देता है, ज्ञान का प्रकाश कर देता है। अग्ञानता ही मुरदेहानी की जड़ है, तो ज्ञान का प्रकाश जिहड़ा है वह आत्मक जीवन का प्रकाश है, चानण है। तो हजूर कहिंदे हुक्म पछाण तां खसमै मिलना, परमेशर वाहिगुरु के हुक्म की सोझी पा के हुक्म नूं पछाण के, नानक हुक्म है जे बुझ है तहों मैं कहे ना कोई, भी मैं उस अनंत संसार दा ब्रह्मांड दा चेतना दा सिरजनहार दी सिरजना दा अभिन्न भाग हाँ, मैं भी एक पार्ट होवें बाकी जिवें बाकी सारिया चीजा, मैं कोई वक्री चीज नहीं हाँ। हुक्म पछाण, हुक्म नू वापरदा होया पछाण लेना जिस वेले तां खसम है मिलना। महाराज कहिंदे ने यही खसम दा मिलाप है, फिर परमेशर सानू दूर नहीं जापदा, दूर नहीं भासदा, वह साडे अंतर आत्मे साडे वजूद ते समुची कायनात ते साडे हर थां दे उत्ते सानू उहदा अहसास हुंदा है। गरीब मेहर करन, गरीब नवाज सच्चे पातशाह, इह रहाउ दूजा, पहला रहाउ सी ऐसा तैं जग भरम लाया, कैसे बूझै जब मोया है माया, कैसे बूझै, इस सवाल का जवाब दूजे रहाउ दे बंद विच महाराज ने दिता है, इत संगत ना ही मरना, हुक्म पछाण ता खसमै मिलना। साहिब कृपा करन शब्द का उपदेश साडे मन मस्तक विच वसे, भुल चुक दी खिमा फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।